पुण्य अतिथि अमिताभ को बनाया महानायक, मनमोहन देसाई के लिए ताउम्र कुंवारी रही ये अभिनेत्री। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाने में फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई का अभूतपूर्व योगदान है। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि मनमोहन देसाई डेथ एनिवर्सरी है। निधन के इतने साल बाद भी अपनी फिल्मों के द्वारा बॉलीवुड फैंस के बीच प्रासंगिक बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन के कैरियर में उनका अद्भुत योगदान रहा है। खुद अमिताभ बच्चन भी कई मौकों पर ऐसा कह चुके हैं। अमिताभ बच्चन को नायक के रूप में लेकर मनमोहन देसाई ने कई यादगार फिल्में दी हैं। अमर अकबर, एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान। मनमोहन देसाई की ये सभी फिल्में बच्चन की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। जाहिर है अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाने में मनमोहन देसाई के इन फिल्मों की बड़ी भूमिका है। मनमोहन देसाई उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर तीनों भाइयों के साथ भी अलग अलग फिल्में की हैं। राज कपूर के साथ उन्होंने छलिया, शमी कपूर के साथ राजकुमार, भगत मीज और ब्लॉकबस्टर जैसी फिल्में दी, तो वहीं शशि कपूर के साथ आगले लग जा और सुहाग जैसी फिल्में दी हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी मनमोहन देसाई ने सच्चा झूठा और रोटी जैसी कामयाब फिल्में दी हैं। जीतेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर जैसे स्टार्स के साथ भी देसाई ने कुछ बेहतरीन और यादगार फिल्में दी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मनमोहन देसाई ने अपने दौर के सभी टॉप के स्टार्स के साथ काम किया और उनकी बनाई गई फिल्में इंडियन सिनेमा में एक मिसाल बनी। 1 मार्च 1994 में मनमोहन देसाई के निधन की खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। खबरों की माने तो देसाई की मौत उनके घर की बेलकोनी से गिरने से हुई। उस वक्त ऐसी भी बातें हो रही थीं कि उन्होंने आत्महत्या किया था। हालांकि उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं मनमोहन देसाई से फिल्म अभिनेत्री नंदा बेहद मोहब्बत करती थीं। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा मनमोहन से कभी अपने प्यार का इजहार न कर सकी और फिर मनमोहन देसाई की शादी हो गई। मनमोहन की शादी के बाद नंदा भी अपनी जिंदगी में सिमट कर रह गई, लेकिन कुछ समय बाद ही देसाई की पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की मौत हो गई। देसाई और नंदा दोनों कभी एक नहीं हो पाए और इस तरह नंदा ताउम्र अविवाहित ही रह गई। नंदा का निधन 75 साल की उम्र में साल 2014 में हुआ।